हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। तुम्हें प्रजा में घूमना होगा और सुनना है कि प्रजा में क्या बातें हो रही है। ऐसा लगता है कि प्रजा में महाराज के बारे में या राजकुल के बारे में कुछ अप्रिय बातें हो रही हैं। मैं जानना चाहती हूं कि प्रजा क्या बातें कह रही है। एक बात याद रखना कि जो तुम सुनो उसकी भनक भी किसी और के कान में ना पड़े। जो आज्ञा। जिस कार्य के लिए मैं तुम्हें भेज रही हूं वो अत्यंत गोपनीय है। इसका पता भी किसी और को ना चले। मुझ पर भरोसा रखिए महारानी जी, आप आज्ञा करें, मुझे क्या करना है। तुम्हें प्रजा में घूमना होगा और सुनना है कि प्रजा में क्या बातें हो रही है। ऐसा लगता है कि प्रजा में महाराज के बारे में यह राजकुल के बारे में कुछ अप्रिय बातें हो रही हैं। मैं जानना चाहती हूं कि प्रजा क्या बातें कह रही है। एक बात याद रखना कि जो तुम सुनो उसकी भनक भी किसी और के कान में ना पड़े। जो आज्ञा। गुरुदेव, महाराजा रामचंद्र जी दर्शनों के लिए पधारे हैं। उन्हें आदर से यहीं ले आओ। जी गुरुदेव। गुरुदेव आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं महाराज। गुरुदेव की कुटिया में पधारने की कृपा कीजिए महाराज। कीर्तिमान, आपका स्वागत है राजन। आसन ग्रहण कीजिए। राजमहल में सब कुशल तो है ना? आपके आशीर्वाद से चहुं और कुशल है, परंतु
परंतु क्या? गुरुदेव, हमारा मन बहुत विचलित है। एक अशांति ने घेर लिया है हमारे मन को। गुरु चरणों की छाया में शांति मिलेगी, इसी अपेक्षा से हम आपके शरण में आए हैं। राजा का मन विचलित है, यह शुभ संकेत नहीं है। राजा का मन तो एक चट्टान की भांति अटल और अचल होना चाहिए, क्योंकि उसको बड़े महत्वपूर्ण निर्णय करने होते हैं। राजा के निर्णय पर धरती के लाखों प्राणियों का सुख दुख निर्भर होता है। इसलिए आवश्यक है कि राजा का चित्त स्थिर और शांत रहे। मन के विचलित होने का एक ही कारण होता है, मोह। किसी वस्तु से, किसी प्राणी से, अपने सुख अथवा अपने जीवन से ही अधिक मोह हो जाने से चित्त में स्थिरता नहीं रहती। भय रहता है कि वो प्यारी वस्तु, वो प्राणी, वो सुख कहीं खो न जाए। कुछ खो जाने के भय से ही मन विचलित होता है। इसीलिए राजा को किसी से भी मोह नहीं रखना चाहिए। तभी तो वो अपने कर्तव्य और न्याय के पथ पर दृढ़ रह सकता है। राजन, जो मोह का कारण है उसे त्याग दो, शांति मिलेगी। आप नहीं जानते आप क्या त्यागने को कह रहे हैं। यह मैं नहीं जानता महाराज। आपने जितनी बात बताई उसके संदर्भ में धर्म क्या है वही मैंने बताया है। धर्म का निर्णय यह देखकर नहीं किया जा सकता कि किसको कितना और क्या त्यागना पड़ रहा है, इसलिए मैंने आपसे वो प्रश्न पूछा ही नहीं। धर्म तो समस्त अवस्थाओं, बड़े छोटे सबके लिए एक ही होता है। यह आपने सत्य कहा गुरुदेव, परंतु आपने गुरुकुल में एक बार कहा था कि धर्म कोई जड़ वस्तु नहीं है, जिसे पत्थर की भांति जहां रख दिया वहां रुक गया। धर्म तो एक जीवित प्राणी की भांति हर पल हर घड़ी एक नई श्वास लेता है। उसके चरण समय के साथ आगे चलते हैं। उस युक्ति से तो किसी विशेष परिस्थिति में एक मानव का क्या कर्तव्य है, क्या धर्म है, उसे क्या त्यागना चाहिए, क्या रखना चाहिए, इसका ठीक निर्णय तो उसकी अपनी आत्मा ही कर सकती है। अवश्य। किस परिस्थिति में किस मानव का क्या धर्म है, क्या कर्तव्य है, इसका ठीक निर्णय उस मानव की अपनी आत्मा ही कर सकती है, क्योंकि वही उसके आगे पीछे के सब कर्मों की साक्षी है। आत्मा ही सबसे बड़ा गुरु है, इसलिए जो अपनी अंतरात्मा कहे वही धर्म। मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद गुरुदेव। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहूं, भले ही मुझे यह राजपाट क्यों ना छोड़ना पड़े। प्रभु आपको सन्मार्ग पर चलने की शक्ति दें। ओम शांति।
आज इच्छा नहीं है। थोड़ा तो खा लीजिए। रहने दो। ऐसा लगता है किसी चिंता में है आप। बड़े गंभीर लग रहे हैं। भाभी क्या बात है? कोई विशेष बात तो नहीं? जो राजा बनता है उसके सिर पर सर्वदा कोई विशेष बोझ होता ही है। तुमने सच कहा भरत, राजा के सर पर इतना बोझ होता है कि कभी कभी उठाना दुष्कर हो जाता है। मैं तो कभी यह भी सोचता हूं कि तुम में से किसी एक को यह राज्य सौंपकर स्वयं सीता के साथ वन में जाकर तपस्या करो। भरत, तुम्हें तो राज्य कार्य का अभ्यास भी हो चुका है, तुम्हारा चरित्र भी निर्मल है, तुम ही राजगद्दी संभाल लो तो अच्छा हो। अब समझ में आया, आपकी चिंता का वास्तविक कारण मैं हूं। अवश्य आपको मेरे किसी कार्य में कोई दोष दिखाई दिया जिसके कारण आप मुझे यह दंड देना चाहते हैं। माता कह कही कि एक भूल के कारण यह राज मेरे लिए कलंक का कारण बन गया था। फिर भी चित्रकूट में आपकी आज्ञा मानकर 14 वर्ष तक यह कलंक अपने माथे पर लेकर मैं जिया हूं। अब यह राज मुझे फिर देने का अर्थ होगा कि वही कलंक फिर से मेरे माथे पर स्थापित कर दिया जाए। नहीं, मैं आत्महत्या कर लूंगा, परंतु यह कलंक फिर से अपने माथे पर नहीं लगने दूंगा। अवश्य आपको मेरी कोई भूल दिखाई दी जिसके कारण आपने ऐसा सोचा। महाराज मेरी जो भी भूल हो उसे क्षमा कर दें, परंतु मेरे लिए ऐसा ना सोचे। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। नहीं भरत, अरे पगले, मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि मैं थक गया हूं। जिस दिन श्री राम थक जाएंगे उस दिन सूर्य और चंद्र भी थक जाएंगे। जिस प्रकार सारे लोग सारी धरतियां आकाश में स्थित हैं, उसी प्रकार सारे संसार की गतियां और शक्तियां आप में स्थित हैं। जिस प्रकार आकाश संकीर्ण नहीं हो सकता, उसी प्रकार आपकी शक्तियां क्षीण नहीं हो सकती। इस तरह आप हमारी परीक्षा न लें महाराज। भैया, हमारा जन्म ही आपकी सेवा के लिए हुआ है, हमारा स्थान अपने चरणों में ही रहने दीजिए। Thank you.
और क्या कहा? एक ने तो यहाँ तक कहा कि सीता ने सूर्यकुल के राज यहासन को लज्जित कर दिया है। और क्या, जितने मुंह उतनी बातें, वो तो महाराज के लिए भी कह रहे थे। क्या कहा? कि सीता के मोह ने उन्हें निर्बल कर दिया है, उसे राजमहल में ही रखकर अपने पूर्वजों की कीर्ति को मिट्टी में मिला रहे हैं। यदि राजा ने उनका त्याग नहीं किया तो देश की दूसरी स्त्रियां भी इसी प्रकार आचरण करेंगी।